संदेश खा लिया के मन बहुत अच्छा भी लगा, बहुत दुख भी लगा। इन महिलाओं के चेहरे पर जो हिम्मत देखी, आशा देखी, लड़ने का जज्बा देखा, रेखा पात्रा जो हमारी एमपी कैंडिडेट थी 4.5 लाख वोट लाई है, और दूसरा यहाँ उनको पानी पीने नहीं दिया जाता है, कहते हैं ममता जी ने पंप लगाया है, तुमने वोट नहीं दिया नहीं मिलेगा, ये क्या मतलब है? क्या अमानवीयता की पराकाष्ठा होगी संदेश खाली में? कहाँ चले जा रहे हैं हम लोग ममता जी की सरकार में? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और उनको थ्रेट करते हैं कि कुछ करोगी तो तुरंत हम कार्रवाई करेंगे, तुम्हारे घर तोड़े गए हैं, और ये सब आदिवासी लोग हैं, हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं और हम अपेक्षा करेंगे इनको सुरक्षा दी जाएगी। का जो हालात सिर्फ संदेश का लेकर नहीं है, ये 27 विधानसभा की हर लोगों के ऊपर ये टीएमसी वालों ने जितना अत्याचार करे, तो हम सिर्फ संदेश का लेकर बात नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ के हर जगह पे ऐसे ये टीएमसी वालों ने हंगामा मचा रही है, ऐसे ही संतरासी फैला रही है, लोगों के ऊपर इतना अत्याचार कर रही है। तो आज हमारी साथ इन्होंने आई है सारे लोगों ने, तो इनको देख के थोड़ा उनको आशा मिलेगा, जो इन लोग भी इनका दिल से डर थोड़ा जाएगा ये लगता है हमको, क्योंकि इतना जो डरा रही है इनको, तो थोड़ा कुछ इनसे मदद मिलेगा अभी। हाँ, ये तो टीएमसी वालों की कारसाजी है, तो टीएमसी वालों ने अभी जो काउंटिंग हॉल पे जो किए वो तो सब लोग जानती है, और इलेक्शन कमिश्नर जो किए है, जो जान पूछ के जो कर रही है, आज जो इलेक्शन कमिश्नर जो जान पूछ के किया है, आज जानकर भी जो गलत रास्ते पे जो काउंटिंग हो रहा है, वो जानकर भी कुछ नहीं किए हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो हम हाईकोर्ट किए हैं, हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट पे, ये बीजेपी की लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है, उनके लिए कुछ तो हल निकलेंगे।